रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बार्ड सिस्टर की प्रताड़ना से तंग आकर स्टाफ नर्स ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हमीरपुर के बारल गांव में किराए के भवन में रह रही स्टाफ नर्स मोनिका कनोरिया उम्र 32 साल ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय मकान में कोई भी नहीं था। मृतक मोनिका का एक 5 साल का बेटा है और जब स्कूल से देर शाम को बच्चे को लेकर मकान मालिक कमरे में गया तो देखा कि पंखे से मोनिका लटकी हुई थी। मोनिका ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें बार्ड सिस्टर पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बार्ड सिस्टर की प्रताड़ना से तंग आकर स्टाफ नर्स ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हमीरपुर के बारल गांव में किराए के भवन में रह रही स्टाफ नर्स मोनिका कनौरिया उम्र 32 ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय मकान में कोई नहीं था। मृतक मोनिका का एक 5 साल का बेटा है और जब स्कूल से देर शाम को बच्चे को लेकर मकान मालिक कमरे में गया तो देखा कि फंदे से मोनिका लटकी हुई थी। मोनिका ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है जिस पर बार्ड सिस्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि मोनिका 2 साल से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में सेवाएं दे रही थी और मोनिका के लिखे हुए सुसाइड नोट के अनुसार सीनियर वार्ड सिस्टर आए दिन कुछ न कुछ कहकर तंग करती थी जिसके कारण मजबूरन मोनिका ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और अपनी मौत के लिए सीनियर स्टाफ नर्स को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में मोनिका ने लिखा है कि स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में टॉपर रही है लेकिन सीनियर स्टाफ नर्स हर बात के लिए रोका टोकी और डफर कहकर बुलाती थी जिस पर हर समय प्रताड़ना झेलना मोनिका के लिए असंभव हो गया था। मोनिका का पति आत्मिक कनौरिया दवा कंपनी शिमला में काम करता है। वहीं पुलिस ने धारा 306 IPC के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतका के पति आत्मिक कनौरिया ने बताया कि शिमला से वापस आ रहा था तो फोन आया कि घर पर मोनिका ने फंदा लगा लिया है। उन्होंने बताया कि जिस सीनियर नर्स की वजह से पत्नी ने फंदा लगाया है उस पर कानून कार्रवाई की जाए। कल मैं शिमला से वापस आया सर, तो मेरे को कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे कुछ हो गया है अनहोनी, तो वापस से पहुंचा। फिर मैं जैसे मैंने अपने रूम पे गया तो वहाँ मैंने देखा कि मिसिस ने सुसाइड कर लिया है। मैडम यहीं हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर में जॉब करते थे और मैडम के जो सुसाइड नोट मुझे पुलिस ने दिया उसमें मैडम ने ये लिखा हुआ था कि जो वार्ड सिस्टर हैं उन्होंने उसको एक्स्ट्रा ही प्रेशर दिया हुआ था और उसको डफर बोलते थे, मतलब गलत सी लैंग्वेज यूज़ करते थे और जो कि उसने लिखा है कि ऐसा कुछ था नहीं, बहुत इंटेलिजेंट थी। मैंने पंजाब में अपने GNM में टॉप किया है, उसके सर्टिफिकेट हमारे पास पड़े हैं, इतने नलायक तो है नहीं। और बाकी सर कि मैं तो ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सरकारी जाँच हो सर, और जो ऑर्थो और स्पेशल जो आपकी सर्जरी है उसमें ड्यूटी होती थी मैडम की, तो जो उस दिन ड्यूटी पे थी वार्ड सिस्टर जिसका उन्होंने नाम लिखवाया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके क्या नाम है सर? आशनिक कतनौरिया। बही मोनिका के परिवारजनों ने आरोप लगाया कि बार्ड सिस्टर आए दिन तंग करती थी और इसके कारण मोनिका ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मांग की है कि बार्ड सिस्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब जो बार्ड सिस्टर थी ना वो उसको तंग करती थी, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। तो मतलब इसका बच्चा भी छोटा है, अब हमारा तो घर उजड़ गया। अब इस जो जिसकी ड्यूटी इसके साथ लगी थी ना उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीटू के वरिष्ठ नेता अनिल मनकोटिया ने कहा कि स्टाफ नर्स के द्वारा आत्महत्या मामले में कानून कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी के मामले सामने आते हैं और कर्मचारियों का व्यवहार सही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है और लेकिन जिस तरीके से जो परिवार जो सफर कर रहा है, अभी तक इनका पोस्टमार्टम यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ अभी जब हम प्रिंसिपल से मिलते हैं तो उनका रवैया जो है, जिस तरीके से जब लोग उनसे आम लोग उनसे मिलने जाते हैं तो जो उनका रवैया है उससे साफ झलकता है कि उनका स्टाफ के प्रति किस तरीके का रवैया रहा होगा। और हम ये समझते हैं, हमारे जनवादी नौजवान सभा की तरफ से हमें मांग करते हैं कि इस प्रकरण की जो है वो न्यायिक जांच की जाए, जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द जो है हिरासत में लेकर जो है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से इस मेडिकल कॉलेज के अंदर
जो ये प्रताड़ना इस तरीके से कर्मचारियों की चली है, हम मांग करते हैं कि सरकार इसमें दखल करे और जितने भी जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, चाहे किसी भी तरीके का जो कर्मचारी यहाँ पर जो काम करते हैं, उनको जो है अगर स्टाफ की कमी है तो वहाँ पर स्टाफ पूरा किया जाए। हमें ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर जो है जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, ओवर टाइम उनको करना पड़ता है। तो इस तरीके का अगर यहाँ पर ये सिस्टम रहेगा तो निश्चित तौर पर हमें चाहते हैं कि इस तरीके की घटना जो है आने वाले समय के अंदर ना घटित हो।